कमल का फूल श्री राम के चरणों में जाएगा और साइकिल बिल्डोजर के नीचे आएगी। 30 सीट नहीं आने के अखिलेश की 30 भी आ जाएगा तो 400 पार लाने की बात। अरे हवा में बात कर रहा अखिलेश, हवा में बात कर रहा, बाबा का राजा गया, हिंदुओं का राजा कब? हमने झेली गुलामी, झेल ली हमने गुलामी, आज गन्ना गेरो कल पैसा मिल रहा है और हम जाट समाज है योगी के साथ है। अरे मैडम जी, ये इनका गठबंधन सिर्फ ऊपर ही हुआ है, लेकिन दिल से गठबंधन हम जाटो ने योगी से कर रखा आज हमने। हमें सिर्फ योगी सरकार चाहिए और हमारे योगी जी पता क्या कह रहे हैं, 80-20 का चुनाव है, 80-20 का चुनाव हम करके छोड़ेंगे सर। यार किसी को अपना बदतमीजी करते हैं लोग, अभी भी होता है क्या? अभी भी नहीं हो, अब तो मतलब ही नहीं है योगी के अब। मोदी और योगी विष्णु के अवतार हैं, ये लोग आए हैं और हमारा देश आज सुरक्षित है। बीजेपी टॉप पे, आज भी टॉप पर है, टॉप पे है आज। हमने झेला है अखिलेश यादव को, झेला है हमने, हमारे जाट भाई वहाँ 2013 के दंगे में मरवा दिया अखिलेश यादव ने। क्या नाम है आपका सर? सुखपाल सिंह। कहाँ से हैं आप? एतमादपुर। अच्छा, गांव एतमादपुर, कैसा काम हो रहा है आपके क्षेत्र? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया विकास कर रही है, अच्छे काम कर रही है। दोबारा से प्रचंड मोहम्मद से यही सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी जी। समाजवादी में नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। समाजवादी में क्या हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। अखिलेश तो बोलते हैं उन्होंने रोड बनवाए, नींव उन्होंने रखी, इतने इतने गड्ढे थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, मर जाते थे लोग। हाँ जी, सड़कों में आप अब देखो सड़कें कितनी बढ़िया बनी है, तो बहुत कम समय लगता है आने जाने में, समय भी नहीं लगता आने जाने में, कहीं आने जाने में समय नहीं लगता है जी, आने जाने में समय नहीं लगता, समय नहीं लगता, बहुत जल्दी से आदमी पहुंच जाता है। हाँ जी, तो आपके क्षेत्र के वोट जा रहे हैं इस बार बीजेपी को? टोटल वोट जाएंगे बीजेपी को। हाँ जी टोटल। आपका क्या नाम है? सतीश सैनी खरगोदा। सैनी है? हाँ जी। आपके सैनी समुदाय के वोट जा रहे हैं बीजेपी को? टोटल वोट जाएगा। आपको लगता है काम हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ। आप लोगों के लिए क्या कार्य किया है? बहुत बढ़िया विकास हुआ। आप लोगों के लिए क्या काम किया है? काम क्या, सड़क बनाई है, गैस सिलेंडर दिवाए, लाइटिंग बनवाई है, मकान बनवाए हैं, बहुत बढ़िया विकास करा। बढ़िया विकास हो गया है? बहुत बढ़िया विकास होता है। फिर से सरकार बनेगी? मोदी सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी, फिर से बनेगी। ठीक है, आपका क्या नाम? प्रशांत। आप कहाँ से? किठौड़ क्षेत्र। हाँ जी, काम हो रहा है यहाँ? हाँ जी, बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, गन्ना पेमेंट बढ़िया मिल रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार तोमर। आप कहाँ से? हम समयपुर गांव पड़ता है, हमारा यहीं पड़ोस में सिसोली के पास, समयपुर सिसोली बोला जाता है। समयपुर सिसोली, काम हो रहा है यहाँ पर? विकास हुआ? विकास इतना हो रहा है कि बस समझ में नहीं आ रहा कि पहले ऐसा ये सरकार क्यों नहीं आई थी। बिल्कुल, पहले क्यों नहीं आई थी सर? पहले ये सरकार क्यों नहीं आई थी? हमें पहले क्यों नहीं लाए थे आप लोग सर? असल में पहले हमें पता ही नहीं था, सारे नेता एक से लगते थे, पहले भोगी थे आज योगी हैं, फर्क इतना है भाई, योगी और भोगी का फर्क है और ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ। और बाकी एक योगी जो कर सकता वो कर रहा, जो भोगी कर सकते थे पहले भोगी करते थे। अखिलेश क्या थे, भोगी थे? वो महाभोगी थे, वो महाभोगी, वो योगी नहीं थे, वो महाभोगी थे। क्या होता था उनकी सरकार? उनकी सरकार में तमंतावाजी होती थी, सरकार उठती थी। योगी जीतेगा, योगी 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 योगी। रुक जावे, किसी को बोलने ही नहीं देंगे। ये किठौड़ जो क्षेत्र है सर, मैं वापिस आऊंगा, जो किठौड़ क्षेत्र है, राजना किठौड़ क्षेत्र है, ये बुरा बहुत गंदा क्षेत्र है यार, किसी को अपना बदतमीजी करते हैं लोग। अभी भी होता है क्या? अभी भी नहीं हो, अब तो मतलब ही नहीं है जो भी के क्षेत्र में। देखो आराम आराम से सभी लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। अनुज कहाँ से है? नंगलामल से ही। अच्छा, आप बहुत योगी योगी कर रहे थे, क्यों कर रहे हो, क्या काम कर दिया आपके लिए? हमें सब चीज दिया, खेल यूनिवर्सिटी दिया, क्या नहीं दिया ये बताओ। क्या नहीं दिया? खुश है योगी जी? सब चीज दिया है हमें, इतना बता, योगी जी हैं तो हिंदू है, नहीं तो कुछ नहीं है। 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। मंदिर के अलावा और क्या दिया? मैम आयुष्मान कार्ड किसने बनाया, ई श्रम कार्ड किसने बनाया, आयुष्मान कार्ड किसने बनाया और मजदूर कार्ड किसने बनाया? दो दो बार राशन कौन कौन खा रहा है बताओ? हमें तो मिल रही है, इतनी सेवा मिल रही है। हमारा जो ये भट्टीपुरा से लेकर मैडम हर खरगोदा बाईपास बना, 50 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है जी मैम,
इतना खराब था कि बुग्गी इधर को जा भी कब जरूर हो जा भी इतना बड़े काम हो रहा है मैम। अखिलेश ने कुछ विकास नहीं किया क्या? सभी अखिलेश ने करता कुछ भी अखिलेश ने मैम विकास किया है उन्होंने। उन्होंने विकास इसलिए ये करा था कि उन्होंने शमशान घाट जो है उनकी बाउंड्री नहीं कराई और जो 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 ये कब्रिस्तान थे उनकी बाउंड्री करा दी। हिंदू छेक दिए मुसलमान ले लिए। अच्छा, तो हिंदुओं को नहीं पूछा जाता? बिल्कुल नहीं पूछा जाता मैम। बताओ कहाँ पूछा जाता? इतनी हालत खराब थी मैम कि बहुत मुश्किल हो रही थी और योगी जी ने जितना जैसा कहा सबने इतना अच्छा काम करा योगी जी ने कि बस 30 सीट नहीं आने के अखिलेश की 30 भी आ जाएगा तो 400 पार लाने की बात। अरे हवा में बात कर रहा अखिलेश, हम बात कर रहा बाबा का राजा गया, हिंदुओं का राजा कब? इतने हमने झेली गुलामी, झेल ली हमने गुलामी, इतने सा ना हिंदुओं ने गुलामी झेली, दिवाली बंद करवा दी, दिवाली बंद करवा दी अखिलेश ने। तीन बार में दिया है अखिलेश ने, तो एक पर्ची का पेमेंट तीन बार में दिया। अब जो है आज गन्ना कह रो कल पैसा मिल रहा है और हम जाट समाज से हैं, योगी के साथ हैं। आप बता रहे थे, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दीपक तोमर। कहाँ से हैं? गांव मुंडाली जिला मेरठ से, इसी विधानसभा क्षेत्र किठोर से। अच्छा, किठोर से हैं। आप बोल रहे थे कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने क्या क्या कार्य कर दिया और अखिलेश ने क्या नहीं? मैडम जी हकीकत बताऊँ ना, आप जितने भी यहाँ हमारे भाई आए हुए हैं इस रैली में, ईमान रहता हूँ, हमें तो आजादियाँ मिली है, हमें तो महसूस अब हुआ आजादी होती क्या चीज़ है। अखिलेश यादव ने तो हमारे 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 जितने भी मंदिर, हमारे तीर्थ यात्राएं, हमारी कांवड़ यात्राएं सब बंद कर दी। हमने झेला है अखिलेश यादव को, झेला है हमने। हमारे जाट भाई वहाँ 2013 के दंगे में मरवा दिया इस अखिलेश यादव ने, हम झेल हुए हैं। हम क्या हाल हुआ करता था उस सरकार में हिंदुओं के साथ, क्या बर्ताव करते? हमारी बहन बेटी घर से निकलने को भी तैयार नहीं थे, इतना डर का माहौल। हमारे पशु खूंटे पर से खोल गए, जबरदस्ती गाड़ी गन्ना गिर गए मिल में, रास्ते में बदमाश मिले, कट्टा दिखाया और भैंसा गाड़ी में, ये झेला हमने। और अभी अभी सिचुएशन कैसी है, अभी कुछ बदलाव आया? बाबा का राज है, बाबा के समय सब खुशहाल है, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म। कार्रवाई होती है? कार्रवाई नहीं, बाबा का बुलडोजर बजता है, बाबा का बुलडोजर सीधा चढ़ता है अब सीधा। हम आत्मविश्वास से पूरे भरे हुए हैं अब। हमको तो बाबा समझ, हमारे भगवान हमारे बिल्कुल किसी रूप में आ गए बिल्कुल। तो चाहते हैं फिर से योगी सरकार रहनी? बहुमत से आएगी, हमारा बच्चा बच्चा वोट करेगा, बच्चा बच्चा। क्या आपका क्या नाम है? प्रीत त्यागी नाम है जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रेहतरा गाँव से हूँ जी। युवा हैं आप, युवाओं को नौकरी मिली है क्या? मिली है जी, मैं युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष हूँ जी। अच्छा, युवा मोर्चा से हैं आप। अच्छा, युवाओं को बहुत ज्यादा बोला जाता है ना, अखिलेश बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, युवा बेरोजगार कर दिए योगी जी ने? नहीं करे युवा बेरोजगार, बहुत नहीं करे। क्या बोल रहे हैं आप? समाजवादी सरकार में कौन सी हमें CBI का अफसर बना दिया? नौकरी तो अपने हाथ में, मेहनत करो नौकरी पाओ। समाजवादी ने कितनी नौकरियां? समाजवादी नौकरी के हमें तो जेल में बंद करा गया, आवाज उठाई हमें सीधा जेल में भरा जा रहा था, हमारी भैंस खुल लिया, हमें जेल में ठूसा जा रहा, आवाज खिलाफ हमारी आवाज नहीं उठान दी जा रही थी। हम योगी राज में आवाज उठाने में जरूरत नहीं पड़ी, पहले से पहली कार्रवाई हो रही है, गुंडे हिम्मत ही नहीं कर रहे कुछ करने की, पहले से चुप बैठ रहे हैं। क्राइटेरिया क्या होता था पहले, क्या जातिवाद देख के नौकरी दी जाती थी अगले? ये सबको पता है, पहले पुलिस में कितने यादव थे कितने नहीं थे, अब कोई जाति नहीं देख जा रही, समान नौकरी दी जा रही है। पहले मायावती सरकार आई, जाटव को नौकरी दी गई, यादव की सरकार आई, यादव को नौकरी दी गई, लेकिन कहने को ठाकुर सरकार सम्मान सबके साथ, सब विकास चल रहा है, सबको नौकरी मिल रही है, सबको मिले, मेहनत करो नौकरी मिलेगी, घर बैठे नौकरी थोड़ी ना मिलेगी जी। मेहनत के आधार पर नौकरी, जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से नौकरी पाओ, जातिवाद का नाम निशान मिटा दिया योगी जी ने। अब हमें विश्वास है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यू विश्वास है, हमारा एक पैसा रिश्वत का जाएगा नहीं, बच्चे को नौकरी मिलेगी 100%। रिश्वत से होती थी? खुली रिश्वत, पर्चे बनते थे, ऊपर से लखनऊ से बन के आते थे, हमारा बच्चा मैट्रिक पास आ गया, 2 घंटे बाद पता लगा गायब पर्चा गायब, और बस परेशान थे बहुत ज्यादा। आ रही है बिजली बहुत अच्छी आ रही है, हमारा राम मंदिर बन गया, हमें ये चाहिए, हमारी कांवड़ यात्रा सब खुलेगी, अब क्या दिख रहा है, पहले हमारे साथ बहुत बुरा हाल हुआ है। बिजली मिल रही है? पूरी फुल गए, घंटे आती है, कम से कम 24 घंटे बिजली आ रही है हमारे यहाँ, पहले नहीं आती थी। कहाँ आ रही है जी, लैंप लग रहे, लैंप आँख अंधी होगी बड़े बड़े के हमारी, और अब मजा आ रहा खूब पढ़ने में, ऐसा लग रहा है इन्वर्टर लग रहा है घर में, 18-20 घंटे बिजली नॉर्मल से आनी है, और रिफाइंड तेल और तुम्हें बाकी तुम्हारे भी आ रहा होगा, हमारे भी आ रहा है। राशन दोनों टाइम मिलता है? दोनों टाइम ना जी, ऐलान लगेगा हमें, आगे ले जाओ, ऐलान लगा है आगे ले जाओ, लग रहा जी ना भी मिले, अगर ना भी राशन मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहली चीज है सुरक्षा, हमारी बहन बेटी सुरक्षा है, हम सुरक्षा है, हमारे मोटर बुग्गी भैंसे ढोर सारे जो चोरी होते थे आज भी सुरक्षा है योगी सरकार में, हमें बार बार योगी सरकार चाहिए,
हमें और कुछ चाहने की जरूरत नहीं, चाहे हम दे देंगे पैसे। तो देश की सुरक्षा क्या सिर्फ बीजेपी ही कर रही है और किसी सरकार ने नहीं? नहीं, सिर्फ बीजेपी, मोदी और योगी, मोदी और योगी विष्णु के अवतार हैं, ये लोग आए हैं और हमारा देश आज सुरक्षित है। इस यूपी को बीजेपी संभाल सकती है, बाकी किसी सरकार में इतना दम नहीं है संभालेगी। ओनली ओनली फॉर बीजेपी। अखिलेश सरकार में कई दफे लूटने हमारे साथ हुई है, अखिलेश सरकार में कई दफे लूटमार हमारे साथ हुई है, इस अड्डे पे आपके साथ हुई है? हां, बड़ा धक्का नगरी है, भैंसा बुग्गी कहीं छीन मिल भाग है। आजम खान को फिर से टिकट दे दिए है जेल में उन्होंने, वो कभी गलत आदमी है उसे बाहर निकाले, वो बेकार हमारे लिए सही नहीं है। माछरे में जो काटा गन्ना तुलता था उसका चोरों ने रात 2 बजे उससे गैस उससे काट के और ले गए रात को 2 बजे। अच्छा। बताओ, तो अभी जब ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा इनका रात को 2 बजे? मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, मनीष ठाकुर मेरा नाम है, मैं ये बोलना चाहता हूँ एक बात बताइए, ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी? आप कहते हो कि क्या नाम है कांग्रेस सरकार में होगी, बीजेपी सरकार ने जितनी खत्म कर दी कोई नहीं कर सकता। कोई सरकार में ज्यादा थी गुंडागर्दी? मैं बीजेपी सरकार को मानता हूँ। किस सरकार में ज्यादा थी? कांग्रेस में, कांग्रेस सपा जी सपा में थी, कांग्रेस में भी थी और सपा में थी। अच्छा। बीजेपी सरकार में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस मेरे क्षेत्र में किठोर विधानसभा में खत्म हो चुकी है। नहीं, पूरे ही प्रदेश में खत्म हो चुकी। 300 यूनिट वाला 300 यूनिट वाला हमें लालच, हमें चूहा समझ रहे हैं, पिंजरे में 300 यूनिट गिरे शायद मंजूर, हमें चूहा समझ रहे हैं, पिंजरे में 300 यूनिट गिरेंगे, हम चूहे की तरह उसमें फंस थोड़ी ना जाएंगे, हम 300 यूनिट की जगह हम 300 यूनिट समाजवादी को दे देंगे अपनी जेब से, लेकिन सरकार हम भाजपा की चाहेंगे। हमारी क्षेत्र में गौहत्या होती थी पहले, बहुत ही बजरंग दल कार्रवाई कर रहा था, हम 7 स्थानीय लोग उस पर समर्थन देते थे, रात और रात हमें घर से ठा लिया जाता था। कुछ दिन पहले 6-1 महीना पहले हमारे गौ हत्या हुई, उसमें 2 दिन बाद पुलिस ने आश्वासन दिया 7 दिन में उसका कार्रवाई करी जाएगी, 2 दिन बाद सूचना मिलती है अखबार के जरिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ कोई कोई गौ हत्या नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है, हमें सरपा सरकार चाहिए। परेशानी तो ये भी बता रहे हैं विपक्ष के लोग कि गाय जो है ऐसे ही घूम रही है, खेत खराब कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो किसान की गलती है, किसान नहीं रख रहा गाय, अब पाल तो रहे हैं, जब उसका नहीं हो रहा साधन तो वो तो फिर छोड़ेंगे। सरकार ने खूब करी है, उसके लिए गौशाला बनी है, हमारे पास में गौशाला अलीगढ़ में गौशाला बनी है, गाय छोड़ गए 300 रुपये और वापसी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जब जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान जब छुट्टे फिर रहे हैं, हमारी 10 गाय गौ माता फिरेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह 100 घूम जाए, हमारे खेत बंजर हो जाए, पर सरकार हमें बीज भी चाहिए। हमारे जब हमारे खेत में से ये चुग रही है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, इस बात कोई ऐतराज नहीं है। नहीं जी, सरकार कैसा काम कर रही है, बीजेपी खुश है आप जी? बहुत खुश है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, बीजेपी टॉप पर है आज भी, टॉप पर है, टॉप पर है आज बाबा जी। आपने बहुत सरकारें देखी होंगी इससे पहले, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, बीजेपी के मुकाबले की नहीं है कोई भी, बीजेपी के मुकाबले नहीं दिखी कोई, नहीं। क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या कर दिया? अब एक सेकंड में थोड़ी बताइए दादा क्या कर दिया। हाँ, आज जितना आपको पता है, नहीं है वो। हाँ। आज भी गांव में कितनी सारी बात ऐसी है, अब एक बात क्या है, अनेक बात ऐसी है जो बीजेपी कभी इससे पहले नहीं हुई। अभी चाहते हैं फिर से योगी जी आने चाहिए, चाहते हैं फिर से आने चाहिए योगी जी? बिल्कुल आनी चाहिए, आने चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। चलो ठीक है, कम से कम 300 प्लस में आएगा, 300 प्लस आएगी बीजेपी, 300 प्लस में आएगी। और अखिलेश और जयंत का जो गठबंधन है काम, उस ढोंगी गठबंधन है, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये ढोंगी गठबंधन, ये ढोंगी गठबंधन है, ये जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि जाट उनकी तरफ जाएंगे, जाट कभी ऐसा नहीं करेंगे, जाट बीजेपी का, हाँ बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा, बीजेपी की तरफ, बीजेपी का रहेगा। जाटी हैं हम, जाट है जी हम। हम क्या बरगला रहे हैं क्या दूसरी पार्टी वाले वोटर्स को खींच रहे हैं? अरे मैडम जी, ये इनका गठबंधन सिर्फ ऊपर ऊपर ही हुआ है, लेकिन दिल से गठबंधन हम जाटों ने योगी से कर रखा आज हमने योगी से गठबंधन कर रखा अपना। हमें सिर्फ योगी सरकार चाहिए, और हमारे योगी जी पता क्या कह रहे हैं, 80-20 का चुनाव है, 80-20 का चुनाव हम करके छोड़ देंगे सर। 20% कौन है? गुंडे, माफिया, बदमाश, लुटेरे हुए हैं, 20% आतंकवादी हुए हैं, हम बता रहे हैं खुलकर, जिंदाबाद। एक बार में बता दीजिए किसको वोट जाएगा, किसको वोट, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा इसमें, क्या शक है कोई? ऑफ कोर्स बीजेपी, 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 बीजेपी। सवाल पूछो, सवाल। भारतीय जनता पार्टी जी, कहाँ से? समयपुर गांव से हूँ। बीजेपी काम कैसे कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। अखिलेश ने नहीं किए थे? अखिलेश ने कुछ नहीं किए,
अखिलेश ने गुंडा राज करा, लड़कों को युवाओं को जेलों में बंद करवाया। नौकरियां नहीं दी थी क्योंकि वो तो बोल रहे योगी जी ने युवाओं को बेरोजगार किया। योगी जी ने क्यों किया बेरोजगार? जो पढ़ने लिखने वाला वो आज भी ड्यूटी कर रहा है, जो बेरोजगार है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपने घर बैठा खेती कर रहा है, वो बेरोजगार है। जो नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है, अन्य कोई बेरोजगारी नहीं है। अखिलेश के राज में यादव युवाओं को खूब नौकरी मिली है और किसी को ना मिली। कमल का फूल श्री राम के चरणों में जाएगा और साइकिल बिल्डोजर के नीचे आएगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैंने युवाओं से भी बात की है और बाकी तमाम लोगों से भी बात की है, सभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और जयंत चौधरी अखिलेश का जो गठबंधन ये बता रहे कह रहे गठबंधन नहीं ये ठगबंधन है और किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे और जाटों के वोट नहीं अपनी तरफ कर पाएंगे। यहाँ पर कई बिरादरी के लोग हैं और हर एक बिरादरी के लोगों से मैंने बात की है तो सबका यही मानना है कि बीजेपी ही इस बार फिर से आएगी।